कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा ने गाजे बाजे और बड़ी रैली के बाद नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं में दूरियां दिखी। प्रचार वाहन पर चढ़ने के लिए भूपेश बघेल ने हाथ बढ़ाया, साथ ही हाथ बढ़ाना, लेकिन दीपक बैज ने उस हाथ को थामा ही नहीं। हाथ वाला हाथ वाले का हाथ नहीं थाम रहा है, फिर हाथ जीतेगा कैसे, ऐसा जानकार पूछ रहे हैं। इससे पहले भूपेश ने महंत को हाथ देकर गाड़ी के ऊपर चढ़ाया था। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार आकाश शर्मा ने नामांकन फाइल किया। नामांकन से पहले कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। मंच पर कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे और आकाश शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य घर के लड़के का चुनाव है। मेरी माता है, मेरी बहन है, और ये चुनाव ना राज्य का चुनाव है ना दिल्ली का चुनाव है। ये चुनाव 59 साल के निष्क्रिय प्रत्याशी सुनील सोनी का चुनाव है, जिसे रायपुर शहर की जनता ने 2 बार महापौर, 1 बार संसद का कार्यकाल देख चुके हैं। और चुनाव एक ऐसा शहर है जो समान परिवार का लड़का है। मुझे तो आप भी जानती हैं कि मैं किस परिवार से आया हूँ, कहाँ संघर्ष करके पहुँचा हूँ, तो मुझे आशीर्वाद जनता का मिलेगा। अच्छा, दबाव में नहीं है आकाश शर्मा, क्योंकि काफी पुराने लीडर है सुनील सोनी, फिर बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि भाई दो दो विधायक आप चुनेंगे। तो अगर दो दो विधायक चुने तो बृजमोहन अग्रवाल जी खुद ही बोल रहे हैं कि मतलब चुनाव चुनाव बृजमोहन अग्रवाल जी को लड़ने था, जो बृजमोहन अग्रवाल जी सुनील सोनी की निष्क्रियता के आधार पर टिकट काटी गई थी और वापस उन्हें मौका दिया। रायपुर शहर की दक्षिण की जनता आपको गुलाम नहीं है जो आपको बार बार वोट करेगी। सब आपके साथ हैं, सभी मेरे साथ हैं, अपने बच्चे की तरह मुझे सब आशीर्वाद दे रहे हैं और दक्षिण का किला मैं जीत के जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, सब उन्हें बच्चे की तरह आशीर्वाद दे रहे हैं। थोड़ा सा यही बात कन्हैया अग्रवाल से भी पूछ लेना चाहिए, प्रमोद दुबे से भी पूछा जाना चाहिए, क्या उन्होंने अपने बच्चे आकाश को आशीर्वाद दिया है। इधर रायपुर दक्षिण उपचुनाव में सियासी बयानों के तीर चल रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल निशाना साधते हुए आकाश शर्मा को नया नवेला बता रहे हैं। यह भी कहा कि आकाश को तो 1% जनता भी नहीं जानती। कांग्रेस NLCI पहले से बदनाम है, हमारी ये शुभकामनाएं हैं वो सुचिता और मर्यादा के साथ में, क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा के जो मतदाता हैं वो सभ्य और सुशील मतदाता है। आप रायपुर दक्षिण विधानसभा में जाकर घूम लीजिए और घूमने के बाद 100 में से अगर 10 आदमी भी ये कहे कि हम आकाश को जानते हैं तो मैं आपको इनाम। इधर सुकमा में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। गंगराज पाड़ गांव में ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया गया और इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। कोंटा थाना इलाके में वारदात हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। सतीश चांडक जुड़े हुए हैं। सतीश, क्या कुछ घटनाक्रम के अपडेट है इस मामले में? सूचना मिल रही है कोंटा थाना क्षेत्र का मेहता गांव है, जो कि नक्सल प्रभावित गांव है, उसका एक पंचायत का आश्रित गांव है गंगराज पाड़, जहां पर बताया जाता है कि ग्रामीण की हत्या नक्सलियों ने कर दी है और मुखबिरी का आरोप लगाया। पिछले कई समय से लगातार देखने को मिल रहा है कि सुकमा जिले के अलग अलग गांव में इस तरह की जो है घटना सामने आ रही है। मुखबिर का आरोप लगा देते हैं और नक्सली जो ग्रामीण की हत्या कर देते हैं और सूचना के बाद में पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है। पुलिस जब मौके पर पहुंचेगी उसके बाद ही जो है परिस्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बहुत धन्यवाद आपका। और रायपुर में दाना तूफान का असर अब देखने को मिल रहा है। राजधानी में अचानक काले काले बादल छा गए, बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने तूफान दाना के असर की बात कही है। दीपों के त्योहार दीपावली से कुम्हारों को अच्छे व्यापार की उम्मीद होती है, लेकिन इस बार चाइनीज दियों के चलते कुम्हार के व्यापार को नुकसान पहुंचा है। इसके वजह से कुम्हारों की अगली पीढ़ी मिट्टी को आकार देने का काम नहीं करना चाहती। उनका कहना है कि कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें उचित लाभ नहीं मिलता है। मिट्टी के दिया के बहुत महत्व है, जाना का है कि देखा जन्म से लेके मरण तक मिट्टी के ही समान में हर चीज होते। आपन जाना था सही दर तो मिला नहीं, लेकिन का करिया कि अब मतलब अब धंधा है तो अब करत हन। अब